What's up guys, this is Ibrar Azeem और मैं हूँ आपका host Ibrar Azeem। दोस्तों हमने एक channel शुरू किया है जिसमें हम आप लोगों को home workout देंगे जो आप घर पे कर सकते हैं। उनके लिए आपको जो है किसी खास equipment की ज़रूरत नहीं है। आप जो लोग मतलब हमारी females हैं वो जिम नहीं जा सकती और mostly जो है हमको permission भी नहीं मिलती। हम तो वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ उस वर्कआउट की तरफ। हम आपको वर्कआउट प्लान देंगे जो वीकली बेसिस पे होगा। ये जो हमारा फर्स्ट वीक का वर्कआउट प्लान है इसको आप जो है वो 2 वीक तक लेके जा सकते हैं क्योंकि हम लोग जो हैं वो मोस्टली अनफिट होते हैं। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा जिम वर्कआउट होता है ये टोटल 20% पे है और जो डाइट प्लान होता है वो 80% पे होता है। हम आपको डाइट प्लान भी प्रोवाइड करेंगे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है वो हम आपको इसका डाइट प्लान दे देंगे। चलें शुरू करते हैं। हम सबसे पहले जो है वो 50 हाई नीज के 4 सेट करेंगे लेकिन 4 सेट हम आपको लगा के नहीं दिखाएंगे। काशिप भाई सिर्फ आपको उसका आइडिया देंगे और मैं आपको उसका पोस्चर बताऊंगा। चलें जी काशिप भाई, आप अपने हाथ जो हैं वो अपने बिल्कुल ऐसे नहीं, बिल्कुल जहां हमारे टांगों के जोड़ शुरू हो रहे हैं वहां पे हम हाथ रखेंगे। चलो कंटिन्यू। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हैंड नीचे रखें, हैंड नीचे हैंड नीचे हैंड नीचे। जब आप मतलब शुरू में करेंगे तो हो सकता है आपसे ना हो, दैट्स इट दैट्स इट। अगर आपका पेट बड़ा है तो आपसे नहीं होंगे, आप बिल्कुल इस तरह जो है वो कर सकेंगे लेकिन दैट्स इनफ, चलेगा उससे भी। आपने इसके 4 सेट करने हैं 50 रेपिटेशन के साथ। हो सकता है आपसे शुरू में ना हो, 10, 12, 15 जितने भी हो सकते हैं तो आपने वो उनको करना है। या दूसरी एक्सरसाइज जो बनेगी वो बनेगी हमारी पुशअप। काशिप भाई पुशअप ज़रा आप इस तरफ आ जाए, बिल्कुल इस तरफ में बैठे। ये देखिए आपने इसमें ये करना है, अगर आप थोड़े से एक्टिव हैं मे बी कर पाएँ आप लोग तो आपने अपना बैली चेस्ट और चिन जो है वो आपके सेम टाइम ग्राउंड के साथ टच होनी चाहिए। ये देखें जितने हमारे शोल्डर हैं उस कदर हम अपने हाथ खोलेंगे और हम बिल्कुल चेस्ट को ऊपर लेके जाएंगे ऐसे, बिल्कुल हाथों के ऊपर हमारी चेस्ट होनी चाहिए और हम ये नीचे जाएंगे, ये हम वापस ऊपर आएंगे। हमारा चिन बैली और हिप जो है वो सेम टाइम जो है वो ग्राउंड से टच होनी चाहिए। बिल्कुल अगर आप बिगनर हैं आपने कभी वर्कआउट नहीं किया तो मे बी आप इस तरह ना लगा सकें तो आप यहीं अपने घुटनों को नीचे लगा लें। घुटनों को नीचे लगा के आप यूँ जा सकते हैं। दैट्स इनफ। उसके बाद हमारी तीसरी एक्सरसाइज जो है वो है स्क्वाट। स्क्वाट आपको बताते हैं। चलें काशिप भाई इसमें आप ख्याल ये करेंगे, आप करें ख्याल ये करेंगे आपके जो घुटने हैं ये आपके पाँव के टो से आगे ना जाएं, इनके जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने भी अभी भी शुरू किया। हमारा वज़न भी जो है उस हिसाब से भी हम जो उसको नहीं अभी कर पाएंगे। नीचे जाएँ काशिप भाई और आपने ये जो है वो 45 डिग्री तक रहना है फुल। आपने नीचे इनफ 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 आप ना थकें। तो जब हम स्क्वाट करेंगे तो हम बिल्कुल जो है वो 45 डिग्री पे रहेंगे, उससे नीचे हम नहीं जाएंगे, हमारे घुटनों का जो है वो मसला बन सकता है। दूसरी चीज़ जो है इसमें हम ये मेन चीज़ है कि जब हम करेंगे तो हमारे पांव जो है वो बाहर की तरफ खुले होने चाहिए और हमारे घुटने जो हैं वो जब ऊपर उठते हैं स्क्वाट करके तो अंदर की जानिब ना जाएँ, वो आपने सेम जो है वो डायरेक्शन में रखना है। जिस डायरेक्शन में आपके पाँव हैं वैसे आप नीचे जाएँगे, वैसे ही आप ऊपर आएँगे। अब हम आते हैं अपनी चौथी एक्सरसाइज की तरफ, वो है जंपिंग जैक्स। काशिप भाई ने स्कूल में बहुत किए होंगे, पीटी आई मास्टर जो है वो करवाया करते थे तो ये आपको कर रहे हैं। ये हमारा पोस्चर होगा खड़े होने का। अब हम चलें जी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इनफ इनफ। अब हम आते हैं अपनी पांचवी एक्सरसाइज की तरफ जो है रिवर्स क्रंचेस, वो आपको बताते हैं। काशिप भाई लाइन अप्रॉक्सीमेटली आपको एक्सरसाइज करने में हार्डली आधा घंटा लगेगा, 35 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। हर एक्सरसाइज में हर सेट के दरमियान आप जो है वो 1 मिनट की ब्रेक लेंगे। चल ये आप लेटेंगे, चलें जी 1, 2, 3। इसमें आप करेंगे ये कि जब आप बिल्कुल नीचे जाएंगे तो आपकी जो हील्स हैं वो ज़मीन के साथ जो है वो टच होनी चाहिए। टच होने के बाद आप उनको वापस ले के आएंगे। जब वापस लाएंगे तो अपने अपना कॉन्सेंट्रेट जो करना है वो आपने इस जगह पे करना है। चलें दैट्स इनफ इनफ। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।